खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से, जहां चमोली जिला सहकारी बैंक चालू वित्त वर्ष में 17 करोड़ से अधिक की शुद्ध मुनाफा में चल रहा है। वहीं जिला सहकारी बैंक अब 1000 करोड़ से अधिक व्यवसाय वाले बैंकों में शामिल हो गया है। बैंक की सालाना रिपोर्ट में बताया, बैंक ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बीते 3 वर्षों में दीनदयाल योजना के तहत 75 करोड़ रूपए 0% ब्याज बांटा गया है। वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ थराली से विधायक राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में विधायक टमटा ने बैंक सदस्यों को मुनाफे के लिए बधाई दी। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में बैंक के मुख्य शाखा गोपेश्वर सहित सभी बड़ी शाखाओं में एटीएम स्थापित किए गए हैं। वहीं बैंक की 20 शाखाओं में माइक्रो एटीएम मशीन स्थापित कर दी गई है। बैंक ने मोबाइल एटीएम वैन के जरिए जिले के सुदूर इलाकों में लोगों को सेवा दी है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सहकारी बैंक की 55वीं वार्षिक सालाना दर्शक बैठक, आम बैठक जिसको बोलते हैं, उसका आयोजन किया जा रहा है। यह हर वर्ष साल में एक बार हमको करना होता है, जिसमें हम साल भर का जो चमोली जिला सहकारी बैंक का बजट उसको पारित करते हैं। मुझे कहने में बड़ा हर्ष है कि चमोली जिला सहकारी बैंक इस वर्ष 17 करोड़ के फायदे का बैंक है। बैंक की आज 55वीं आम बैठक की, उसमें प्रतिभा करने का मौका मिला और मैं माननीय सहकारिता मंत्री श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से उनको संबोधित किया। सारे सहकारी संघ के यहाँ पर सम्मानित जन इकट्ठे थे।